नमस्कार दोस्तों, मैं बापी ट्रैक्टर हॉस्पिटल से आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आप देख सकते हैं महिंद्रा 575 का DI ट्रैक्टर है। इसका जो है स्पिंडल का जो बुशिंग है ये ख़राब हो गया। ये आप देख सकते हैं इसमें कितना प्ले है। इसमें ये आप देख सकते हैं बहुत इसमें प्ले हो गए। तो अब इसका हम इसका स्पिंडल का और इसका बुशिंग का जो है इसका जॉब करेंगे। तो इसके लिए इसका जो कैप है, इसका कैप खोलने के लिए इसका 13 नंबर का जो बोल्ट है, 4 बोल्ट होता है, ये 4 बोल्ट खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर में एक चेक नट होता है और इसका एक पिन लॉक होता है। उसका पिन लॉक खोल के इसका चेक नट खोलना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं ये पिन लॉक, इसको खोल के फिर इसका चेक नट खोलेंगे। फिर इसका जो व्हील है वो आराम से बहुत आसानी से निकल आएगा। उसके बाद इसका ये जो आर्म का बोल्ट है 24 नंबर का, ये भी खोल लेना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो लॉक है, ये लॉक खोल के इसका जो स्पिंडल है बहुत आसानी से निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं इसका बूस्ट जो है और निकालने का प्रोसेस, इसको निकाल लेते हैं। और इसका जो स्पिंडल है इसको भी हम बहुत अच्छे से वॉश करके फिर इसका जो है खराब के पास इसको भेजेंगे लेद वर्क के लिए। ये आप देख सकते हैं बूस्ट निकालने का प्रोसेस। पहले भी हमने स्पिंडल का रिपेयरिंग का स्पिंडल रिपेयरिंग का वीडियो डाला हुआ है जॉन डियर का, ये भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। वो तो जॉन डियर का था, ये महिंद्रा का है। दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, तो हमने ये वीडियो अलग से डाला हुआ है, देख सकते हैं आप। जॉन डियर का ऊपर का बुशिंग निकल लिया है, अभी ये नीचे का बुश अभी निकल रहा है। ये स्पिंडल जो वॉश का आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से वॉश करके फिर आपको दिखाता है स्पिंडल में जो है कितना ज़्यादा कट आ गया है। और हाँ दोस्तों, जो भी काम हम लोग करते हैं ना उसका अच्छे से सफाई करते हैं, क्योंकि सफाई हमेशा ज़रूरी होता है। जो भी काम करेंगे आप अच्छे से सफाई करेंगे तो 80% काम तो उसमें ही ठीक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें कट आ गया है, इसके कारण इसका स्पिंडल में जो बहुत सारा प्ले हो गया था। तो इसको हम अभी लेथ वर्क के लिए देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं इसमें आप क्या क्या ठीक करते हैं, क्या क्या नया सामान यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा डीप हो गया अंदर में घिस के। ये देख सकते हैं जितना जगह इसमें डीप हो गया था उस जगह को वेल्डिंग करके फिल अप कर रहा है इसको अच्छे से, इस तरह से देख सकते हैं आप। उसके बाद इसमें कट लगाएगा लेद में, तो इसमें जो है बूश साइज का हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बूश के हिसाब से बूश के साइज में इसमें कट लग रहा है। और इसका जो सामान है जितना भी, ये जो देख सकते हैं आप थ्रस बेयरिंग, ये नया लगाएंगे हम डीलक्स का, डीलक्स कंपनी का इसमें बेयरिंग लगाएंगे 138 T138। और इसका जो बड़ा बेयरिंग है ये पुराना है लेकिन साफ सफाई हमने पूरा अच्छे से कर लिया। और इसका एक छोटा बेयरिंग भी हम लगाएंगे ARB कंपनी के। और हम जो भी सामान लगाते हैं ना दोस्तों, सब जेन्युइन लगाते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का हो लेकिन जेन्युइन लगाना ज़रूरी है। ये 300 रुपये इसका MRP है छोटा बेयरिंग का ARB। और इसका हाफ ऑयल सील, ऑयल सील जितना है हम नया लगाएंगे, हाफ का 2 ऑयल सील, स्पिंडल का नीचे का 2 ऑयल सील, ऊपर का 2 ऑयल सील, ये हम सब नया लगाएंगे। और जितना भी पुराना सामान है बेयरिंग सब, ये सब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे डीजल से,
डीजे से वॉश करके फिर बाद में इसको कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे, फिर इसके बाद ग्रीस करेंगे। ये देख सकते हैं सब ऑयल सील बेयरिंग ये सब का पार्ट नंबर, ये पैकेट सब देख सकते हैं। ये ऊपर वाला ऑयल सील ये भी हम नया लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हम उल्टा फिटिंग करेंगे क्योंकि स्पिंडल जब नीचे से फिटिंग करेंगे तो स्प्रिंग, इसका जो ऑयल सील का स्प्रिंग है वो खोलने का रिस्क नहीं रहता है, तो इसमें हम इसमें उल्टा फिटिंग करेंगे। और ये बेयरिंग का ग्रीसिंग आप देख सकते हैं अच्छे से, और ग्रीस जो है हमेशा, पहले भी मैंने बोला हुआ है कि ग्रीस हमेशा अच्छा क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए, चाहे आप कोई भी कर लीजिए लेकिन अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। जिसे क्या होता है, इसका जो बेयरिंग होता है ये सब का लास्टिंग टिकाऊ अच्छा होता है। आप कम दाम का यूज़ करेंगे तो इतना बेयरिंग का लास्टिंग अच्छा नहीं होता है, वो गर्म होने के बाद घिसता रहता है। और ये बुश में भी अच्छे से सफाई करके फिर बाद में ग्रीस डालने के बाद स्पिंडल को फिटिंग करना पड़ता है। देख सकते हैं अच्छे से ग्रीस डालने के बाद, और ये जो ऑयल सील है स्पिंडल के यहाँ में फिटिंग कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट बॉडी में भी फिट कर सकते हैं। और ये जो बेयरिंग का देख सकते हैं उल्टा सीधा ऐसे फिटिंग होता है, उल्टा फिटिंग करने से नहीं होता है, हमेशा ऐसे सीधा फिटिंग करना पड़ता है। ग्रीस जो है आस्ते से फिल अप करने के बाद फिटिंग करना पड़ता है। और सफाई बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जो भी किसान भाई मेरे वीडियो को देख रहा है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि जानकारी वाला चीज़ होता है। ये इसका जो लॉक है स्पिंडल फिट करने के बाद, इसको लॉक को अच्छे से फिट करने के बाद ऐसे हैमर के मदद से इसको डाल लेना पड़ता है अंदर में। और इसका जो स्पिंडल का जो लॉक है और इसका जो आर्म शाफ्ट में जो लॉक का कट दिया हुआ है इसमें बड़ा आराम से इसमें फिट हो जाता है। फिर इसमें 24 नंबर का बोल्ट बहुत आसानी से फिट हो जाता है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा मारने से भी आ जाता है, नहीं तो हाथ से भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर इसके बाद ये जो ऑयल सील का छोटा सा कॉलर ये कंपनी के साथ आता है, ये नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी के साथ में आया है तो इसलिए हम लोग इसमें फिटिंग कर दे रहा है, नहीं तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसे देना ही पड़ेगा। ये बड़ा बैरिंग हमने हाफ में फिटिंग कर लिया है, अब इसका जो है ऑयल सील इसको हैमर की मदद से अच्छे से फिट कर लेंगे। ये देख सकते हैं बहुत आसानी से फिटिंग हो जाता है, और बेयरिंग जो है वो भी आसानी से स्पिंडल में घुस जाएगा। और अपने हिसाब से जैक हमने उठा लिया है, ये देखेंगे बहुत आसानी से ये सेट हो जाता है। ओरिजिनल स्पिंडल और ओरिजिनल बेयरिंग होगा तो बहुत आसानी से आराम से फिट हो जाता है, अगर कम दम का स्पिंडल होगा, डुप्लीकेट स्पिंडल होगा तो ये बेयरिंग इतने आसानी से फिटिंग नहीं होता है, उसको ठोक के बिठाना पड़ता है। ये छोटा बेयरिंग भी फिटिंग कर लिया है, एक वॉशर भी फिटिंग कर लिया है, अब इसका चेकनट जो है कसेंगे। चेकनट को इतना ही कसना है कि बहुत आसानी से घूमना भी चाहिए और जाम भी होना नहीं चाहिए और ऊपर नीचे फ्ले भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से ही टाइट करना चाहिए। फिर इसके बाद में इसका लॉक जो है आसानी से करके फिर इसका कैप लगा लेना चाहिए। और इसका हम एक ही साइड का फिटिंग करके दिखाएंगे दोस्तों,
क्योंकि दोनों साइड का दिखाने के जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और पहले भी हमने तो इसका स्पिंडल का रिपेयरिंग का वीडियो दिखाया था हमारे वीडियो में, लेकिन वो जॉन डियर का था, इसीलिए हमने महिंद्रा का दिया है। तो इसीलिए इसमें वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा करते हैं। और इसका जो जैक है पूरा उतारने के बाद ही इसका ऊपर का जो 24 नंबर का आर्म का बोल्ट है इसको हैमर के मदद से थोड़ा ठोकने के बाद फिर इसको टाइट करना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।